सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स अनलिमिटेड क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं AECC। ये किसी किसी को फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में ही मिल जाती है, किसी किसी को सेकंड सेमेस्टर में भी मिलती है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1, भाषिक संप्रेषण स्वरूप और सिद्धांत। हम ये हिंदी में पढ़ने वाले हैं। ये सोल, NCVAB, रेगुलर और इग्नू वालों के लिए ही बेनिफिशियल रहने वाली है। सो इसका पार्ट 1 हम करेंगे, संप्रेषण की अवधारणाएं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। संप्रेषण की अवधारणा, संप्रेषण क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज कम्युनिकेशन, ठीक है। सो हम आगे देखते हैं। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति सम प्लस प्रेषण के योग से हुई है। सम यानी समान रूप से, पूरी तरीके से, और प्रेषण यानी आगे भेजना, अग्रसर करना। इन दोनों शब्दों के संयोग से बने संप्रेषण शब्द से आशय है समान रूप से आगे भेजा गया। अगर हम संप्रेषण को मिला देते हैं तो उसका जो अर्थ बनता है वो है समान रूप से भेजा गया, ठीक है। यानी बातचीत या भाषा में किसी सूचना या विचार को सम्यक रूप से सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना, ठीक है। संप्रेषण होता है यानी अपनी बातचीत से, अपनी भाषा से, अपने विचारों से अपनी बात को अपने सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना, ठीक है। मानव जीवन संप्रेषण यानी विचारों के आदान प्रदान से परिपूर्ण है। जैसे आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं, एक व्यक्ति है जो मैसेज भेज रहा है और एक व्यक्ति है जो रिसीवर है, फिर वो अपनी फीडबैक देता है। ऐसी कम्युनिकेशन हमारे माध्यम से होती है। कोई व्यक्ति अपनी बात बताता है, सामने वाला व्यक्ति सुनता है, उस पर रिएक्ट करता है, फिर वो कुछ बोलता है, तो इसी तरीके से हमारी बातचीत होती है। उसी को हम संप्रेषण कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। संप्रेषण का अंग्रेजी अर्थ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉम्युनी शब्द से हुई है, ठीक है भाई। ये मैंने आपको बता दिया था कि संप्रेषण जो है उसका अर्थ है कम्युनिकेशन। सो इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये लैटिन भाषा का शब्द था कॉम्युनीज, उससे हुई है, ठीक है। संप्रेषण एक तकनीक शब्द है जिसका अर्थ किसी सूचना या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना। संप्रेषण के द्वारा समाज में व्यक्ति के संबंध और अधिक विकसित होते हैं। मतलब संप्रेषण एक ऐसी तकनीक है जिसका अर्थ होता है किसी सूचना या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना। मतलब हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है या फिर कोई भी अर्जेंट काम होता है, हम वो दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों के साथ साझा करते हैं, ठीक है। और संप्रेषण के द्वारा जो व्यक्ति होता है वो अपने संबंध बनाता है। आपको पता है कि आप किसी से फ्रेंड बनते हो, संप्रेषण के द्वारा अधिक विकसित होते हैं इससे आपके रिश्ते भी, ठीक है। संप्रेषण एक शक्ति है जो समाज के जोड़ों को पोषित करती है। संप्रेषण का नेटवर्क ही पारिवारिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सांप्रदायिक, भाषिक, वैश्विक आदि संबंधों की नींव रखता है। कि भाई जो संप्रेषण है वो समाज की एक जड़ों की कहते हैं एक पोषित करती है, ठीक है। और संप्रेषण नेटवर्क से पारिवारिक, जैसे आप देखते हो फेसबुक से आपके कई सारे दोस्त बन जाते हैं, कोई भाई बन जाता है, ऐसे ही मतलब आपको अपने धर्म के लोग मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही कई सारे रिश्ते बन जाते हैं, ठीक है, नेटवर्क के माध्यम से जो आप संप्रेषण करते हैं उससे। सो ये जो आप फोटो देख रहे हैं इसमें लोग जो है अब संप्रेषण के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। सो हम आगे देखते हैं। लुइस ए एलन संप्रेषण को बड़ा महत्व मानते हैं। उनके अनुसार कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ द थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट टू क्रिएट अंडरस्टैंड इन द माइंड ऑफ अदर। इट इज़ अ ब्रीज ऑफ मीनिंग। इट इन्वॉल्व अ सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अर्थात संचार से आश्चर्य उन समस्त साधनों से है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी विचारधारा को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालने के लिए अथवा उसे समझने के लिए अपनाता है। यह वास्तव में दो व्यक्ति के मस्तिष्क के बीच की खाई को पाटने वाला सेतु है।
इसके अंतर्गत कहने, सुनने तथा समझने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया सदैव चालू रहती है। सो गाइस, ये जो है, ये लुईस ए एलन जो है, ये संप्रेषण को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। इनका कहना है कि ये दो लोगों के दिमाग की खाई के बारे में जड़ तक जानते हैं। कोई व्यक्ति है, अपने बारे में बताता है, दूसरा व्यक्ति है उसको सुनता है, समझने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इनका कहना है दो व्यक्तियों के मस्तिष्क, मतलब दिमाग के बीच की खाई को ख़त्म करने वाला ये हमारा संप्रेषण कहलाता है, ठीक है। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये लुईस ए एलन की ही है जिन्होंने इसके बारे में कहा था, ठीक है। चार्ल्स ई रेडफील्ड के अनुसार, मतलब ये भी एक थे, उन्होंने कम्युनिकेशन के बारे में क्या कहा है वो हम पढ़ते हैं। चार्ल्स ई रेडफील्ड के अनुसार, कम्युनिकेशन इज द बोर्ड फील्ड ऑफ ह्यूमन इनचार्ज ऑफ फैक्ट्स एंड ओपिनियंस एंड नॉट द टेक्नोलॉजिस ऑफ टेलीग्राफ रेडियो एंड द लाइक। अर्थात संप्रेषण से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तथ्यों एवं समितियों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। मतलब इनका कहना है कि जो संप्रेषण है ना, वो है उसके माध्यम से जो एक व्यक्ति अपने अपनी समस्या, अपने विचारों, अपनी हर एक बातों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। जैसे टेलीफोन, तार, रेडियो अथवा इसी प्रकार के अन्य तकनीक साधन संप्रेषण नहीं हैं। यहाँ रेडफील्ड का आशय ये है कि यद्यपि तार, टेलीफोन, रेडियो आदि का संप्रेषण के साधनों का प्रतीक समझा जाता है, किंतु संप्रेषण का वास्तविक अर्थ संप्रेषण की विचारधारा एवं अभिव्यक्तियों को समझना है। तकनीकी साधन तो सिर्फ माध्यम भर होते हैं। इनका कहना है कि लोग कहते हैं कि भाई कम्युनिकेशन, जैसे हम कह सकते हैं टेलीफोन से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, रेडियो से वो हो सकती है, लेकिन इनका कहना है इससे हमारी कम्युनिकेशन नहीं होती। जब व्यक्ति एक दूसरे के सामने होता है, ठीक है, एक दूसरे की बातें सुनता है, समझता है, उनके अभिव्यक्ति को जानता है, एम्पैथी लेता है, तब जाके कम्युनिकेशन होती है। ये जो तकनीकी साधन है, ये एक सिर्फ क्षण भर माध्यम है, ठीक है। ई एम रॉजर एवं शूमेकर के अनुसार, ये भी दो थे, उन्होंने बोला था कि ई एम रॉजर और शूमेकर के अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें स्रोत एवं श्रोता के मध्य सूचनाओं का संप्रेषण होता है। इस प्रकार संप्रेषण विचारों का आदान प्रदान से संबंध है। सभी का मतलब ये कहना है कि संप्रेषण वो प्रक्रिया होती है जिसमें दो व्यक्ति होते हैं, उनके मध्य सूचनाएं, मतलब एक दूसरे को बातें बताते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और उनके उसी से आगे संबंध भी बनते हैं, उसको हम संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। जे पॉल लॉगन्स संप्रेषण को शब्द करते हुए कहते हैं, यह एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक एक ऐसे रूप में विचार, तथ्यों, अनुभवों अथवा प्रभावों का विनियम मतलब एक्सचेंज करते हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति संदेश का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वास्तव में संप्रेषण और संग्राहक के बीच किसी संदेश अथवा संदेशों की श्रृंखला को प्राप्त करने की सम्मिलित प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। मतलब वही हो गया कि भाई दो व्यक्ति होते हैं, उनमें अनुभवों, अपने तथ्य, अपने विचार, अपने आप को समझने के लिए एक्सचेंज करते हैं, अपने विचारों को एक्सचेंज करते हैं, कोई कोई संदेश के माध्यम से करता है, इसी को हम संप्रेषण कहलाते हैं। ये जे पॉल लॉगन्स ने इसका वर्णन किया है, इनका शब्द इन्होंने डिवाइड करा है, ठीक है। आगे देखते हैं, वुड वर्ग के अनुसार, इनके अनुसार क्या कहा गया देखते हैं। संचार वह पारस्परिक क्रिया है जो प्रतीकों के माध्यम से घटित होती है। ये प्रतीक चित्र मौखिक या अन्य किसी रूप में हो सकते हैं।
मतलब भाई ये कहते हैं कि हम संप्रेषण को संचार भी कहते हैं। ये ऐसी पारस्परिक क्रिया होती है जिसमें प्रतीकों के माध्यम से घटित होती है, मतलब कुछ भी घटित हो जाता है तो हम जाके बताते हैं कि भी यार मेरे साथ ऐसा हो गया। जो बोल नहीं सकते लोग वो अपने मतलब चित्र बना के एक सामने वाले व्यक्ति को समझाना जानते हैं, ठीक है। हम कभी कभार अजम्पशन कर लेते हैं कि यार उसके साथ ऐसा, मतलब हम सोचते हैं ना कोई हमें सामने वाला ऐसा बता रहा होगा कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो हम वही हमारे दिमाग में चलना लग जाता है, अच्छा यार इसके साथ मतलब ऐसे ऐसे हुआ। तो इसको कहते हैं मौखिक, मतलब अजम्पशन करना किसी चीज़ के बारे में। प्रतीकों के माध्यम से होने वाला संचार उनके संप्रेषण में आने वाले अवरोधों को रोक लेता है। इस प्रकार प्रतीक युक्त संचार संदेशों को कम कर देते हैं। संप्रेषण में यदि प्रतीकों का कुशलता के साथ प्रयोग किया जाए तो जटिल विचार तथा तकनीक ज्ञान में साझेदारी भली भांति की जा सकती है। उपयुक्त प्रतीकों का प्रयोग कर स्वाभाविक कुशलता से परे हटकर संप्रेषण किया जा सकता है, ठीक है। मतलब सारी बातों को मैंने जो आपको बताया है कि भाई दो लोगों के बीच में होता है संप्रेषण, ठीक है। अब ये कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको देख लो, ठीक है। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर हाँ या ना में दीजिए। पहला, संप्रेषण मानव जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, हाँ या नहीं, अब बताना कुछ सोच के, ठीक है। सेकंड है, संप्रेषण में परस्पर साझेदारी की प्रक्रिया विद्यमान होती है, हाँ या नहीं, ये भी आप बता देना। सेकंड, कोष्टक में दिए गए शब्दों से ही सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, संप्रेषण का महत्व एवं डैश हर युग एवं कालखंड में रही है, भाव स्वरूप उपयोगिता आवश्यकता। सेकंड है, व्यक्तिक संप्रेषण में व्यक्ति अपने किन भावों का रूप डैश स्पष्ट करता है, आत्मगत, व्यवहारिक, अनुभवगत और भावगत। तो आप इसका दे देना आंसर। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही, इसका पार्ट ए वन है, पार्ट सेकंड आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना। नीचे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना, इससे हमारी जितनी भी नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास आती रहेगी। सो थैंक यू सो मच।